सो हेलो गाइस, की हाल चाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम ते सत श्री अकाल। सो गाइस, आज मेरी गाय को देखो क्या हुआ, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि इसको क्या दिक्कत है। मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने देखा इधर उधर भी, डॉक्टर से भी पूछा भी, सर फ़ोन किया, वीडियो कॉल की, बट उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस गाय को हुआ क्या। ये ऐसे ही बैठ रही थी, खड़ी हो रही थी। सो तभी मुझे अचानक से ये पता चला कि ये आज हमें पार्टी देने वाली है। सो गाइस जी हाँ, मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि ये मेरी गाय अभी बच्चा देने वाली है। सो टाइम टू पार्टी। सो गाइस, ये गाय के बारे में आपको मैं बता दूं, ये अब मेरे पास थर्ड लैक्टेशन में है। ये मैंने बाहर से परचेज की थी। सो इसीलिए इसका जो बॉडी स्कोर है ये ठीक ठाक ही है। सो कोशिश यही है कि इनसे मैं अच्छे बच्चे पैदा करूं और अच्छे तरीके से उनकी केयर करके अच्छी ब्रीडिंग के ज़रिए मैं एक से पांच गायें अपने पास ऐसी रखूं जो मेरे पास 200 से 250 किलो दूध हर रोज़ का करे। सो गाइस ये बातें छोड़ते हैं, आप इस वीडियो में मज़ा लीजिए। देखिए अब ये मेरी गाय पूरी भर चुकी है थन बाँट से, आप देख सकते हो, और ये अभी अब किसी भी पल बच्चा देने वाली है। सो गाइस, कम्युनिटी गाइडलाइंस के रिगार्डिंग मैं आपको ये नहीं दिखा सकता कि इसने बच्चा कैसे दिया। उस चीज़ के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा, बट आप सभी और मेरे लिए ये बहुत खुशी वाली बात है कि ये मेरी गाय ने मुझे, वो भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि आप सोचकर हैरान हो जाओगे कि ये कैसे और क्या हुआ। ये गाय का मेरे पास पिछले लैक्टेशन का रिकॉर्ड जो है, इस गाय ने मेरे पास 20 किलो एवरेज के हिसाब से 305 दिन में, ये लगा लीजिए कि 6000 लीटर एक हो गया और 5 दिन के हिसाब से 20 लीटर का वो लगा लीजिए, 300 लीटर वो हो गया, 6 5 30, हाँ 300 लीटर वो हो गया। इस गाय ने मेरे पास 6300 लीटर दूध दिया है और कुछ परेशानी और तंगी के कारण मैं इस गाय को 7 महीने से कुछ दिन ऊपर में मैंने इसको ड्राई किया था। सो अभी ये बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर जो मैंने डेट नोट की थी उसी डेट को ये सू रही है। सो आप देखिए ये कितना ही मन को खुशी देने वाला पल है, और इससे ज़्यादा ये है कि हमको तो ये बच्चे के आने की खुशी तो है, पर हमसे ज़्यादा इस गाय को अपने बच्चे के आने की खुशी है। सो आप देखते रहिए, और सभी के सभी जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आप में से बहुत से लोग मेरी वीडियोस को देखकर चले जाते हो पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज़ आप मेरी पूरी वीडियो देखा कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया कीजिए। जैसे कि मैंने अपनी पहली 3 4 वीडियो में के बाद ही मैंने आपको एक बच्चा देने वाली गाय की वीडियो दिखा दी। सो अब आने वाले टाइम में मैं आपको इससे भी बढ़िया वीडियोस बनाकर कोशिश करूँगा कि बना सकूँ और आपको उन वीडियो में मज़ा आ सके देखकर। अब ये देखिए, ये बच्चे के पैर बाहर आ रहे हैं। मैं आपको अगली वीडियो में ये दिखाऊंगा कि इसने मुझे क्या दिया, बच्चिया या बच्चा, कुछ भी दिया हो भगवान का, सभी कुछ भगवान का ही है। मुझे तो सिर्फ ये था कि गाय मेरी जो है वो सही सलामत
सू जाए। सो गाइस ये बिल्कुल सही सलामत सू गई और अब इसको सोए हुए को आज तीसरा दिन है। सो मैं घर की परेशानी के कारण मैं वीडियो नहीं बना सका और मैं वहाँ पर प्रोटेस्ट में भी था। सो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।